हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता श्रीवास्तव और यू किचन ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए बहुत ही नई रेसिपी लेके आई हूँ। वो है बंडे की सब्जी, जिसे बहुत कम ही लोग फ्रेंड्स जानते होंगे, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी जाता है। बंडा दो तरह से होते हैं, एक ये गोले तरह से, एक थोड़े लंबे में होते हैं और थोड़े मोटे में। ये हमने देसी बंडा है और ये काफ़ी टेस्टी बनता है फ्रेंड्स, और इससे गला में इचिंग भी नहीं होती है। इसे जिस तरह से हम बनाएंगे, अब इसको हमने पानी से अच्छे से धुल दिया है। इसमें जो भी मिट्टी रहते हैं वो निकल गए हैं, क्योंकि ये जमीन के अंदर होता है फ्रेंड्स। अब इसको हम इसको छील लेते हैं नाइफ की हेल्प से, और इसको इस तरह छील करके बिल्कुल साफ बंडे को तैयार कर लेंगे। बंडे को हमने छील के और इसे धुल लिया है फ्रेंड्स। अब इसको हम कट कर लेते हैं। ये जो कि गोला वाला है, तो इसको हमको ऐसे गोल गोल काटना है और इसको बारीक बारीक पतला पतला हम इसे लंबे में काट लेंगे, ताकि मैं इसकी भुजिया बनाऊंगी। और ये बहुत ही कम सामान से बहुत ही टेस्टी भुजिया बनकर फ्रेंड्स तैयार होती है। इसको हम पतला काटेंगे, तभी ये पकने में आसानी से ये तलने में ही पक जाएगी। अब इसको हम इस तरह लंबे लंबे कट कर देंगे और काट के पूरा हम तैयार कर लेते हैं। बंडे को हमने काट लिया है, इसको बारीक कट कर लिया है। इसको हम फ्राई करेंगे। ऑयल को हमने कढ़ाई में गर्म करना है। ये बहुत ही कम सामग्री से बहुत ही टेस्टी आती है बंडे की भुजिया फ्रेंड्स तैयार हो जाएगी, और खाने में तो बहुत ही टेस्टी है। आप इसे जरूर बना के ट्राई कीजिए एक बार। तेल फ्रेंड्स गरम हो गया है, अब इसमें हम एक टीस्पून अजवाइन डाल देते हैं इसके तड़के में, और यहीं हम डाल देते हैं हरी मिर्च। 7 से 8 हरी मिर्च को हमने बारीक कट कर लिए हैं, इसको हम डाल देते हैं। इसके मिर्च को अच्छे से फ्राई कर ले, और इसमें थोड़े तेल ज्यादा लगते हैं तभी इसके जो सब्जी है वो अच्छे से फ्राई हो जाती है। अब इसमें हम डालेंगे बंडे को, जिसे हमने काट लिया है। अब इसको काट करके इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसकी सब्जी जो बन रही है बंडे की, इस मिक्स से आप बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बंडा का सब्जी बन के तैयार होगा। बहुत लोगों की फ्रेंड शिकायत रहती है कि गले में ये खुशबू करते हैं, क्योंकि ये बंडा उसमें का नहीं है। ये बहुत ही फेमस जगह का बंडा है, जिसे हमने मंगवाया है बनाने के लिए। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, और इसको मीडियम फ्लेम पर फ्रेंड्स चलाते हुए इसे हम इसको फ्राई कर लेंगे। इसको ढक्कन को खोल के ही फ्रेंड्स बनाना है, इसको भी इससे ढकना नहीं है। अब इधर एक साइड हमने लगाए थे, जिसको चलाते हुए दूसरे साइड पलट लेते हैं, ताकि ये चारों तरफ से अच्छा क्रिस्पी हो जाए। हमें इतना इसे फ्राई करना है। तीन मिनट हो गए फ्रेंड्स, अब यही हम डाल देंगे 1/2 इंच हल्दी, और टेस्ट के अकॉर्डिंग उसमें हम नमक डालेंगे। 1 टीस्पून इसमें नमक को ऐड कर दे रहे हैं, और इन्हें मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी फ्रेंड्स बनेंगे चटपटा सा। इसे आप चाहे राइस के साथ चाहिए खाइए, चाहे पूरी पराठा रोटी के साथ खाइए, चाहे डिश के रूप में। ये चाय के साथ भी बहुत टेस्टी लगती है फ्रेंड्स बंडा की भुजिया। पाँच मिनट हो गए फ्रेंड्स, अब इसको दूसरे पलट के सेक लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हल्के हल्के ये फ्राई हो रहे हैं और इसका कलर भी चेंज हो रहा है। ये काफी क्रिस्पी हो जाएंगे, इसको अलटते पलटते ही हमें फ्राई करना है। इधर से दिखा देते हैं फ्रेंड्स, देखिए फ्राई हो गए हैं और कलर भी इसके कितने अच्छे आए हैं, बहुत ही क्रिस्पी है। जो भी इसका एक्स्ट्रा तेल होगा फ्रेंड्स, उसको हम निकाल लेंगे, और इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए और फ्राई कर ले रहे हैं। ये बहुत ही कुरकुरा बना है और ये पक भी गए हैं फ्रेंड्स। इसको हम एक आपको दिखा देते हैं।
अगर इस तरीके से आप काटेंगे तो ये जो है पक भी जाते हैं इजीली। देखिए कट गए हैं, एकदम पक गए अच्छे से। अब इसे 102 मिनट और फ्राई करने के बाद हम इसको निकाल लेते हैं। देखिए अच्छा क्रिस्पी होने तक ये भून गए हैं। अब इसके हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में, और जो भी इसका एक्स्ट्रा ऑयल है उसको हम निकाल लेंगे। फ्रेंड्स देखिए इसको हम छान करके इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में, और जो भी इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाएगा और बहुत ही ये क्रिस्पी हुए हैं। इसमें फ्रेंड्स डाल देते हैं लाल मिर्च पाउडर ऊपर से, ये बहुत ही चटपटा ये बनेगा। इनको हम मिक्स कर देते हैं और इसमें डाल देते हैं अमचूर पाउडर यानी खटाई, ये बारीक वाले हैं, इनको ऊपर से हाफ टी स्पून स्प्रिंकल कर देंगे अच्छे से, चारों तरफ से मिक्स कर देंगे। और यही फ्रेंड्स डाल देते हैं हम काली मिर्च का पाउडर, भुना हुआ जीरा है फ्रेंड्स इसको हम डाल देते हैं, इससे बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये फिर बिल्कुल खाने के लिए रेडी हो गए हैं। अब इस तरह जरूर बना के खिलाएं अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ज्यादा से ज्यादा इस रेसिपी को शेयर करें। अब मैं इसको सर्विंग प्लेट में आपको दिखाती हूँ कितना ये टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स देखिए बंडे का भुजिया कितना इजी तरीके से हमने बनाया है और बहुत ही टेस्टी है फ्रेंड्स। इसे आप स्नैक्स के रूप में भी खा सकती हैं, चाय के साथ आप इसे चावल दाल या चावल दाल और पराठा पूरी रोटी के साथ भी इसे खाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगेगा, बनाना बहुत ही आसान। और इसे जरूर आप बनाएं अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में आप हमें जरूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। चैनल पे न्यू है वो सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट वीडियो इजिली आप तक पहुँचे। फिर मिलती हूँ मैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।